भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा से ही टेंशन वाला मैच रहा है। जितनी टेंशन दोनों देशों के प्लेयर्स को होती है, उतनी ही मैच देखने वाले लोगों को। 9 जून को न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में भी कुछ ऐसा ही माहौल रहा, साथ ही कुछ बेस्ट मोमेंट्स भी रहे। मैच की शुरुआत में जब बाबर आजम और रोहित शर्मा टॉस के लिए मैदान में उतरे तो रोहित शर्मा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए वो हमेशा से बदनाम है। मतलब कि टॉस के टाइम रोहित भूल गए कि सिक्का उन्हीं की जेब में है। टॉस हुआ तो सिक्का बाबर आजम के पक्ष में आया और उन्होंने पहले बॉलिंग चुनी। पहले बैटिंग करने उतरे रोहित और विराट की जोड़ी चल नहीं पाई। नसीम शाह की बॉल पर विराट 4 रन बनाकर आउट हो गए, फिर रोहित शर्मा भी 13 रन बनाकर आउट हो गए। ना शिवम दुबे चले, ना हार्दिक पांड्या और ना ही सूर्य कुमार यादव, किसी भी प्लेयर ने 10 रनों से ज्यादा रन नहीं बनाए। बस ऋषभ पंत ने टीम की कमान थामे रखी। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की और इंडियन टीम को 19 ओवर में 119 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस मैच में विकेटकीपर ऋषभ पंत ने कई कमाल किए। पहले 42 रनों की पारी खेली, फिर दूसरी पारी में फील्डिंग करते हुए शानदार 3 कैच पकड़े और कप्तान रोहित शर्मा को एक DRS लेने के लिए भी फोर्स किया, जिस पर अक्षर पटेल को विकेट मिला। एक वक्त पर ऐसा लगा जैसे कि यह मैच इंडिया हार जाएगा, लेकिन बुमराह की बॉलिंग ने मैच में जान डाल दी। बुमराह ने 3 विकेट लिए और हार्दिक ने 2। इंडियन टीम ने अपनी शानदार बॉलिंग से पाकिस्तान को 113 रन पर आउट कर दिया। पाकिस्तानी कप्तान ने हार का ठीकरा पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों के ऊपर फोड़ दिया। मैच के बाद बाबर ने कहा, हमने अच्छी बॉलिंग की लेकिन बैटिंग में हमने लगातार 2 विकेट खो दिए। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ी खुशी से झूम रहे थे, लेकिन नसीम शाह अकेले खड़े आसमान की ओर ताक रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, वे रोते हुए ग्राउंड से बाहर चले गए। वहीं इस हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने कहा, अब हार की आदत हो गई है। रावलपिंडी में एक फैन ने कहा कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खत्म हो गया है। वहीं एक पाकिस्तानी अखबार ने छापा, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बड़े पर्दे पर मैच दिखाया गया। जब मैच से पहले भारत का राष्ट्रीय गान बज रहा था तो स्टेडियम में स्क्रीन को म्यूट कर दिया गया। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर।